हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो ये हमारे पास एक सेट आया है स्पार्क्स 7 प्रो न्यू सेट है और इसका FRP लॉक लग गया है। ठीक है, अब हमने इसे रिमूव कैसे करना है, तो इसका सिंपल सा तरीका है, आपने जस्ट कुछ स्टेप्स हैं वो फॉलो करने और आपका ये स्पार्क्स का जो FRP लॉक है वो ख़त्म हो जाएगा। अब क्योंकि आपको पता है कि स्पार्क्स के फ़ोन जो है किसी भी डिवाइस पे ऐड नहीं है, तो हमने इनका चिपसेट चेक करना है कि चिपसेट कौन सा है और उसके बाद हम इनको इनका FRP लॉक ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसका चिपसेट चेक किया है, वो MTK का है। तो ये देखिए, मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ, यहाँ पर ये शो कर गया FRP लॉक। तो अब हमने करना क्या है, ये क्योंकि MTK है, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, हमने EFT ओपन करनी है। यहाँ पर MTK टूल में जाना है, यहाँ पर फैक्ट्री रीसेट लॉक वाले टूल में जाके हमने रीसेट FRP लॉक पे क्लिक करना है और सिलेक्ट कर देना है। ये देखें यहाँ पर, ये सेंटर वाले में, ठीक है, यहाँ पर जैसे हम सिलेक्ट करते हैं वो वेटिंग डिवाइस का एरर है। तो फ़ोन को मैं रीस्टार्ट करता हूँ, मोबाइल मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है PC के साथ और वॉल्यूम अप और डाउन प्रेस करके आपने इसको कनेक्ट करना है PC के साथ। तो अब हम यहाँ पर वेट करते हैं, जैसे ही फ़ोन PC के साथ कनेक्टेड हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर ये सर्कल इसका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं। ये देखिए, जैसे ही कनेक्ट हो फोन, आपने वॉल्यूम अप और डाउन दोनों को छोड़ देना है, प्रेस करके नहीं रखना, वरना वो बूट अप नहीं करेगा। ठीक हो गया, यहाँ पर जैसे ही वो कनेक्ट हुआ मैंने वॉल्यूम बटन छोड़ दिए हैं, रिलीज कर दिए हैं और यहाँ पर ये देखिए आपका विद इन 2 मिनट्स आपका FRP लॉक इसने ख़त्म कर देना है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस चल रहा है इसका, तो वो जैसे ही कंप्लीट होगा वो आपका FRP लॉक ख़त्म करने के बाद आपका फ़ोन को वो रीस्टार्ट कर देगा। ठीक हो गया, ये देखें जी, यहाँ पर ये आपका फ़ोन ऑन हो चुका है और FRP लॉक भी आपका ख़त्म हो चुका है। ये देखें, यहाँ पर इसका ये सारी इंफॉर्मेशन दे देता है कि ये कौन सा फ़ोन है और उसकी कौन सी सिक्योरिटी है, कौन सी चिपसेट है, उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पर साइट पर मिल जाएगी। तो अब ये देखें, यहाँ पर फ़ोन एक्टिवेट हो रहा है, यहाँ पर ये फ़ोन एक्टिवेट हो रहा है, बस आ जाओ यार, एक तो चले। देखें जी, ये फ़ोन आपका एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर ये शरारतें जो करते हैं ना लोग, बाज नहीं आते, चलो छोड़ें आप, खैर सॉरी। ये देखें जी, यहाँ पर ये फ़ोन आपको मैं एक्टिव करके चेक करवा देता हूँ, यहाँ पर इसका गूगल अकाउंट लॉक रिमूव हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर ये हम इसको एक्टिवेट करके चेक करते हैं कि यहाँ पर इसका FRP लॉक जो है वो ख़त्म हो गया है या नहीं हुआ। ठीक हो गया जी, यहाँ पर वैसे रीसेट का ऑप्शन तो आ गया है नीचे कि आपका FRP लॉक जो है ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैंने आपको चेक करवाना है कि आया हमारा फ़ोन जो है रीसेट हो चुका है या नहीं, FRP लॉक ख़त्म हो चुका है या नहीं हुआ। ठीक है, उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको फ़ोन को एक्टिव करते हैं। वाईफाई मैंने लगा दिया है, आपको स्क्रीन थोड़ी सी अच्छी नहीं, क्लियर नहीं नज़र आ रही होगी क्योंकि इसकी ब्राइटनेस जो है वो ऑटो मोड पे है और कम हो गई हुई है। चलो मैं फ़ोन आपको एक्टिव करके फिर चेक करवा दूँगा। तो यहाँ पर फ़ोन एक्टिव हो रहा है, यहाँ पर वाईफाई लगा दिया मैंने, वाईफाई लगाने के बाद अब इससे चेक करते हैं। ये देखें जी, यहाँ पर स्किप का ऑप्शन आ चुका है, यानी कि हमारा जो जीमेल अकाउंट लॉक था वो ख़त्म हो चुका है। ठीक हो गया, आपके मोबाइल का कोई भी इशू हो, किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपके मोबाइल का किसी भी किस्म का सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई मसला हो, कोई कोड लग गया हो, कोई भी आईडी लग गई हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा कि आपका मोबाइल का जो भी इशू हो वो ईज़िली सॉल्व हो जाए। ठीक हो गया, आप मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हम चेक कर लेते हैं कि इसका लॉक तो ख़त्म हो चुका है। मैं एक मिनट आपको ब्राइटनेस इसकी ओपन करके चेक करवा देता हूँ, मे बी आपको जो है LCD इसकी ब्लर नज़र आ रही होगी। अभी मैं चेक करवाता हूँ, जस्ट अ सेकंड। नए मॉडल्स हैं, नई सेटिंग्स हैं इनकी, ये देखें यहाँ पर ये ब्राइटनेस इसकी ओपन हो चुकी है और ये देखें ये फ़ोन भी हमारा एक्टिवेट हो चुका है, स्पार्क्स न्यू 7 प्रो जो है उसका जीमेल अकाउंट लॉक रिमूव हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और आप सबका मोबाइल का कोई भी इशू हो तो आप हमें DM कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।